किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आ गई है। पार्टी की तरफ से राहुल और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल इसी हफ्ते राजस्थान में किसान पंचायत लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले प्रियंका ने यूपी में किसानों के लिए डंका बजाने की तैयारी की है। जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव है, तो उधर RLD नेता जयंत चौधरी भी जगह जगह पर किसान चौपाल लगा रहे हैं। आपको बताते चले, प्रियंका ने पश्चिमी यूपी के किसानों के बीच जाकर राजनीतिक थाल लेने की तैयारी की है। किसानों के आंदोलन के बहाने प्रियंका इस इलाके में कांग्रेस के लिए संभावनाएं तलाश रही हैं। 10 फरवरी को वे सहारनपुर जा रही हैं, जी हां, पहले वे शंकुभरी मंदिर जाएंगी, माता के दर्शन और पूजा पाठ करेंगी। इस इलाके में इस मंदिर का बड़ा मान और सम्मान है। जी हां, CM योगी आदित्यनाथ ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। मंदिर में पूजन के बाद प्रियंका सहारनपुर में किसान पंचायत लगाएंगी। सहारनपुर को खास राजनीति के तहत किसान पंचायत की शुरुआत के लिए चुना गया है। यहां पार्टी के पास इमरान मसूद जैसे ताकतवर नेता हैं, जो राहुल और प्रियंका के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव जब साथ साथ थे, तो दोनों ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही की थी। अब देखना ये होगा कि प्रियंका की इस राजनीति का कांग्रेस को कितना